कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये स्टेटमेंट अपने आप में ही एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि एक कप्तान ही डिसाइड करता है कि वो किस तरह से टीम को चलाएगा। क्रिकेट की दुनिया में बहुत से कप्तान आए, पर उसमें से कामयाब सिर्फ कुछ ही बन पाए हैं, और आज हम उन्हीं कामयाब कप्तानों के बारे में बात करेंगे। पांचवें नंबर पे इस लिस्ट में आते हैं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान। शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आज तक उनसे बेहतर कप्तान मिला ही नहीं है। आज तक पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता है, वो भी 1992 में, जो हुआ था इमरान खान की कप्तानी में। वो सिर्फ एक अच्छे कप्तान ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर भी थे, और टीम को जब भी जरूरत होती थी वो अपना पूरा योगदान देते थे। चौथे पे है क्लीव लॉयड। ये उस टीम से है जिससे 80s और 90s में सारी टीम्स डरती थी। क्लीव कप्तान थे वेस्ट इंडीज के, और उस समय वेस्ट इंडीज की टीम क्रिकेटिंग दुनिया पे पूरी तरह से राज कर रही थी। इनकी कैप्टनसी के अंडर वेस्ट इंडीज ने 1975 और 1979 में लगातार वर्ल्ड कप्स जीते थे। उनकी खासियत ये थी कि वो हर प्लेयर से उसका बेस्ट निकलवाना जानते थे। ODIs में इनकी कप्तानी के अंडर टीम की विनिंग परसेंटेज 77.71% थी, और ये एक बेहतरीन कप्तान भी थे। ये सिर्फ हम ही नहीं बल्कि इनके रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे है अर्जुन रानातुंगा। श्रीलंकन क्रिकेट की जब भी बात होती है तो एक नाम कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है, वो है रानातुंगा। 1996 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका की टीम सबसे वीक मानी जा रही थी, पर उस टूर्नामेंट में रानातुंगा ने लिए कुछ बोल्ड डिसीजन, और वो सभी फैसले टीम के लिए सही भी साबित हुए, और श्रीलंका ने जीता था अपना पहला 50 ओवर वर्ल्ड कप। रानातुंगा अपने खिलाड़ियों को बैक तो करते ही थे, पर सिर्फ फील्ड पे ही नहीं, फील्ड के बाहर भी, क्योंकि उस समय प्लेयर्स फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हुआ करते थे, तो वो अपने प्लेयर्स की भी बहुत मदद करते थे। दूसरे पे आते हैं रिकी पॉन्टिंग। जब वो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन बने थे तो ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी सभी टीम्स को डोमिनेट कर रही थी, पर उनकी कैप्टनसी के अंडर टीम ने और अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया था जब ऑस्ट्रेलिया को एक मैच भी हराना अचीव मानी जा रही थी। जैसा अभी विराट को रन मशीन बुलाया जाता है, उस टाइम पे रन मशीन रिकी पॉन्टिंग हुआ करते थे। इनकी कप्तानी के अंडर ऑस्ट्रेलिया ने 2003 और 2007 दोनों सालों में वर्ल्ड कप भी जीता था, पर जब भी वो फील्ड पे उतरते थे तो एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ उतरते थे। उनकी कैप्टनसी के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने 165 ODI मैचेस जीते थे, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट उन्हें हमेशा याद रखेगा। पहले नंबर पे कौन आता है ये तो आपने गेस कर ही लिया होगा, क्योंकि है इतना इजी यार, ऑब्वियसली अपने MS धोनी। इंडिया की टीम को 2007 में T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनवाया, 2011 में ODI वर्ल्ड कप जितवाया, और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन भी बनाया। धोनी की चाल से कोई भी नहीं बच सकता, और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि वो लगातार स्मार्ट बॉलिंग और फील्डिंग चेंजेस करते हैं, और इनके अंडर जो भी युवा खिलाड़ी खेलता है वो उस भट्टी में पक्के सोना बन जाता है। और इंडियन क्रिकेट में ना इनसे बेहतर कोई कप्तान था, ना है, और शायद ना ही होगा। पर आपके हिसाब से इनमें से बेस्ट कैप्टन कौन था, जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।